आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पीपीएससी में जो सीट्स आई हैं उसके बारे में। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, अप्लाई करने के बाद आप इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, तमाम बातें इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले इसमें फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं। इसमें 17 स्केल की जॉब है। पहली जो जॉब है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, ये 17 स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा बैचलर की डिग्री भी अगर आपके पास है इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड के रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 23 से 30 साल है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी है। इसके अलावा आपका जो डोमिसाइल है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, अगर आपकी इसमें जॉब हो जाती है तो वो लाहौर में होगी। इसके अलावा नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, ये 16 स्केल की जॉब है। इसके लिए भी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तमाम जॉब्स के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और 30 से 35 साल इसमें जो अप्लाई करने की मतलब एज लिमिट है तमाम जॉब्स के लिए। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं। इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। इसके लिए आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए और इसके अलावा 2 साल का इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी हो। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, इसके लिए भी एमएससी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर की जॉब है, इसके लिए भी एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, इसके लिए एलएलबी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए आपके पास एमकॉम या एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 3 मंथ डिप्लोमा इन एमएस ऑफिस भी होना चाहिए तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टैटिकल ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए भी आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में। तो ये है तमाम जॉब्स। हर जॉब के आगे उन्होंने उसकी जो एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, जेंडर, तमाम चीज़ें लिखी हुई है। इसके अलावा ये साइट पर उन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सी बुक्स से कौन कौन सा सिलेबस आपसे मतलब जो आपका टेस्ट होगा उसमें इंक्लूड होगा। इस जॉब को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपने www.ppsc.gov.pk की वेबसाइट पर जाना है। ऑनलाइन आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा इसकी जो फीस भी है वो भी आपने सबमिट करवानी है। वो आप ATM, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप फीस जमा करवाना चाहते हैं आप उस तरीके से करवा सकते हैं। 19 जुलाई 2024 इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाने की लास्ट डेट है। जब आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है तो आप इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। इसके टेस्ट की तैयारी के लिए आपने testpoint.pk वेबसाइट पर जाना है। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पर आकर आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आकर आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सर्च का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। तो जैसे अभी हमने पीपीएससी की जॉब की तैयारी करनी है, हम ये लिखेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीपीएससी के आपने जो भी तैयारी करनी है वो सारे नीचे आज शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसके तमाम PDF बुक्स, सिलेबस, गेस्ट पेपर, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ से आपको इसके ये तमाम पास पेपर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। यहाँ से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। टेस्ट पॉइंट बेहतरीन वेबसाइट है। अगर आपने इसके अलावा किसी पेपर की या किसी भी और जॉब के रिलेटेड तैयारी करनी है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा और आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।